हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज भाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आते हैं जो आपके एआईबी 18 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं, ये ना केवल एआईबी 18 तक सीमित है। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीलिम्स पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट है। आप एलएलबी इंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एलएलएम इंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेएलओ एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी एग्ज़ाम में ये आपके जो क्वेश्चन हैं वो रिलीवेंट होने वाले हैं। इसलिए तो ये वीडियो आपके लिए डेली आती है, आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाती है। ये हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, और एमसीक्यू की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हम करेंगे उतना ज़्यादा हम परफेक्ट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी पब्लिक सर्वेंट टर्म इज डिफाइंड। पहला ऑप्शन है सेक्शन नंबर 20, सेकेंड ऑप्शन है सेक्शन नंबर 21, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन नंबर 22 और फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन नंबर 23। तो इसका सही और सटीक जवाब कौन सा है, उससे पहले हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। आईपीसी धारा के अंदर लोक सेवक शब्द को परिभाषित किया गया है, तो इसके रिगार्डिंग हमें सेक्शन नंबर 21 को पढ़ना होता है। इसके संबंध में सेक्शन 21 जो है उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट दिए हुए हैं, उन सभी के अंदर यह बताया गया है कि ये भी पब्लिक सर्वेंट है, ये भी पब्लिक सर्वेंट है, ये भी पब्लिक सर्वेंट है। तो सेक्शन 21 को आप एक बारी डिटेल में डिस्कस कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि पब्लिक सर्वेंट टर्म के अंदर इसको शामिल किया जाता है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है, ये रिलेटेड है केस लॉ से। द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी हैज बीन एलोबरेटली कंसीडर इन द लैंडमार्क डिसीजन। इस केस में बात की गई थी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, तो इससे रिलेटेड हमारा केस है आर वर्सेस डेडली एंड स्टेफन का। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है, जिसे हम कहते हैं आवश्यकता का सिद्धांत। जो इससे रिलेटेड कौन सा केस है, आर वर्सेस डेडली एंड स्टेफन का। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं, और इसका सही जवाब है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। राम इज कटिंग विद एन एक्स एट ए प्लेस वेयर ए चाइल्ड आर प्लेइंग, द एक्स फ्लाई ऑफ एंड किल्ड ए चाइल्ड नियर बाय, राम इज लाइबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन इज गिवन बिलो अंडर विच ऑफेंस। पहला ऑप्शन है कल्पेबल होमोसाइड, सेकेंड ऑप्शन है डेथ बाय नेग्लिजेंस, थर्ड ऑप्शन है मर्डर और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबो, या आप इसे कह सकते हैं इन सभी में से किसी ने कोई अपराध नहीं किया है, या उसने कोई अपराध ही नहीं किया है, या आप मान के चलिए। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। राम उस स्थान पर कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था जहां बच्चे खेल रहे हैं, और कुल्हाड़ी उलट जाती है और पास में एक बच्चे को लग जाती है और उसे चोट लग के वो मर जाता है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से राम किसके लिए उत्तरदायी होगा, यानी कि उसको कौन सी सजा दी जाएगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके रिगार्डिंग आप है इल्यूस्ट्रेशन भी पढ़ते हैं। इल्यूस्ट्रेशन का मतलब होता है उदाहरण की तरह। आईपीसी में एक सेक्शन में इसी तरीके की जो है इल्यूस्ट्रेशन आपको मिलेगी। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा डेथ बाय नेग्लिजेंस, लेकिन वहाँ पर उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, ये हमारा आंसर था उस इलस्ट्रेशन को पढ़े। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा इसका सही जवाब है, क्या सेकंड है या फिर फोर्थ है। तो इसको एक बार आप रीड कीजिएगा, और किसी सेक्शन है जिसमें ये इलस्ट्रेशन दी गई है ये भी आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा।
बात करते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली, यहाँ पर ध्यान दीजिए फाइन ओनली, द इम्प्रिजमेंट विच द कोर्ट इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल बी, यानी कि केवल कोई भी ऑफेंस जिसकी सजा फाइन ही है और ऐसे में वो डिफॉल्ट करता है तो उसे कौन सी इम्प्रिजमेंट दी जाएगी, कारावास दिया जाएगा। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है सिंपल इम्प्रिजमेंट, सेकंड ऑप्शन कह रहा है रिग्रस इम्प्रिजमेंट, थर्ड ऑप्शन कह रहा है एदर सिंपल और रिग्रस, या तो सिंपल या फिर रिग्रस, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है नोन ऑफ द अबो। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो जुर्माना अदा ना करने पर न्यायालय जो कारावास देगी वो क्या होगा, सिंपल कारावास, कठोर कारावास, या तो सिंपल या कठोर या इनमें से भी नहीं, तो उसको जो है सिंपल इम्प्रिजमेंट दी जाएगी। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अब कौन सा सेक्शन है इससे रिलीवेंट, तो इससे रिलीवेंट जो हमारा सेक्शन है हमारा 67 ऑफ आईपीसी के अंदर जो है तीन पॉइंट दिए गए हैं जो आपको याद रखने हैं, वो मैं बता देता हूँ। यानी कि ₹50 तक फाइन लगाया गया है तो वहां पर आपको जो है 2 मंथ, 2 महीने तक की जो है 2 मंथ तक पनिशमेंट दी जा सकती है। अगर फाइन ₹100 है तो ऐसे में तो ये इम्प्रिजमेंट है वो बढ़कर कितनी हो सकती है, 4 मंथ तक हो सकती है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और एनी अदर केस, यानी कि इसके अलावा कोई भी फाइन अगर लगाया जाता है तो मैक्सिमम 6 महीने तक जो है इम्प्रिजमेंट हो सकती है। ये जो इम्प्रिजमेंट आपकी होगी ये कौन सी होगी, ये सिंपल नेचर की होगी, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है समझ लेते हैं। हाउ मैनी टाइप ऑफ पनिशमेंट हैव बीन प्रिस्क्राइब अंडर द आईपीसी, पहला ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 4, फोर्थ ऑप्शन है 7। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, आईपीसी के अंतर्गत कितने प्रकार की सजा निर्धारित की गई है। सबसे पहले तो समझते हैं कि कौन सी जो है सेक्शन है जो इस बारे में बात करती है जहां पर हमें देखने को मिलती है पनिशमेंट, तो कौन सी सेक्शन है, सेक्शन नंबर 3। कितने प्रकार की पनिशमेंट वहां पर बताई गई है, 5 प्रकार की बताई गई है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा सेकंड ऑप्शन। कौन कौन सी है वो भी मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। पहली है हमारी डेथ पेनल्टी, दूसरी है हमारी, पहली तो हो गई डेथ पेनल्टी, दूसरी है हमारी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तीसरी है हमारी सिंपल, और रिग्रस इम्प्रिजनमेंट है, फोर्थ है हमारी फोर फीचर प्रॉपर्टी, और पांचवी है हमारी फाइन। तो ये 5 तरीके की जो पनिशमेंट है बताई गई है, कहाँ पर बताई गई है, सेक्शन नंबर 53। तो इसको आपको याद रखना। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं, जो रिलेटेड है हमारा किससे, केस लॉ। द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 34 एंड 149 हैज़ बीन ऑथोरिटेटिवली एक्सपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन नेमली, यानी कि किस केस के अंदर ये डिस्टिंक्शन दिया गया था, डिफरेंस दिया गया था सेक्शन 34 और 149 जो सेक्शन है उसके रिगार्डिंग। तो इसका जो रिलीवेंट केस है वो है हमारा कौन सा केस है, सबसे पहला ही केस है, केस का नाम क्या है, नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब।
तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो इसको आपको जो है याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। वीडियो को आपको जो है रिपीट करना है एक दो बार, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होती चली जाए, आप क्वेश्चंस को जो है बिल्कुल भी ना भूलें। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। फॉर द अप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 ऑफ IPC इट इज नेसेसरी दैट द क्रिमिनल एक्ट मस्ट हैव बीन डन बाय, यानी कि जब हम बात करते हैं सेक्शन 34 की, जो किसके बारे में बात करता है, कॉमन इंटेंशन। जब हम सेक्शन 35 की बात करते हैं, किस बारे में बात करता है, कॉमन ऑब्जेक्ट की। तो इसको आप याद रखिए इस तरीके से, जब हम बात करते हैं सेक्शन 34 की, तो वहाँ पर कितने व्यक्ति होने चाहिए इस ऑफेंस को घटित करने के लिए, यानी कि इस ऑफेंस ये सेक्शन उस पर कब लगेगी, किसी भी व्यक्ति पर कितने व्यक्ति शामिल हो। तो सबसे पहला ऑप्शन है एटलीस्ट 2%, सेकंड ऑप्शन है 5%, थर्ड ऑप्शन है मोर देन 2 बट लेस देन 5, यानी कि 2 से ज़्यादा और 5 से कम। फोर्थ ऑप्शन है मोर देन 1%, एक से ज़्यादा होने चाहिए। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। IPC की धारा 34 लागू करने की आवश्यक है कि वह आपराधिक कृत्य किया जाए कम से कम 2 व्यक्तियों के द्वारा। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर। बात करते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए शूट ऑफ सिविल नेचर। सबसे पहले तो हमें सेक्शन पता होने चाहिए, कौन सी सेक्शन है CPC की बात करती है, जो शूट होगा वो सिविल नेचर का होगा, अदरवाइज वो लो के द्वारा बैड नहीं होगा, अदरवाइज वो सिविल शूट होगा। ये हम पढ़ते हैं CPC के अंदर, इस सेक्शन के अंदर पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 9 के अंदर हम ये। अब इन सभी में से कौन सा शूट सिविल नेचर का नहीं है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, शूट रिलेटेड टू राइट टू। सेकंड ऑप्शन है शूट रिलेटेड टू द पार्टनरशिप। थर्ड ऑप्शन है शूट रिलेटेड टू द कॉमन लो राइट। और फोर्थ ऑप्शन है शूट रिलेटेड टू द पॉलिटिकल क्वेश्चन। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिविल प्रकृति का शूट नहीं है, पूजा के अधिकार के संबंध में मुकदमा, साझेदारी के संबंध में मुकदमा, सामान्य कानून अधिकार के संबंध में मुकदमा, या फिर राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित मुकदमा। तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही जवाब है, वो सिविल नेचर के शूट के अंदर शामिल नहीं होता, अदरवाइज ये तीनों फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो है शामिल होते हैं। बात करते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है समझते हैं। सेक्शन 10 CPC 1908 सन को याद रखिए, डज नॉट अप्लाई व्हेन द प्रीवियस शूट इज पेंडिंग। क्या कह रहा है सेक्शन 10 CPC को, किस नाम से जाना जाता है ये आपको पता होना चाहिए। इसको जाना जाता है स्टे ऑफ शूट के नाम से, इसके अलावा एक और नाम से इसे जाना जाता है, किस नाम से, रेस सब जुडाइस नाम से भी आपको जाना, इस सेक्शन को जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, सेक्शन 10 ऑफ CPC 1908 डज नॉट अप्लाई व्हेन द प्रोविजन सूट इज पेंडिंग। पहला ऑप्शन है इन द सेम कोर्ट, सेकंड ऑप्शन है इन ए फॉरेन कोर्ट, थर्ड ऑप्शन है इन ए कोर्ट आउटसाइड इंडिया एस्टेब्लिश और कंटिन्यू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और फोर्थ ऑप्शन है इन एनी अदर केस इन इंडिया। हिंदी में क्या अर्थ है इसको समझ लेते हैं। प्रावधान वाद लंबित होने पर CRPC 1908 की धारा 10 लागू नहीं होती है, उसी कोर्ट में
या किसी विदेशी कोर्ट में केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित या जारी भारत के बाहर के न्यायालयों में या फिर भारत के किसी अन्य न्यायालय में। तो कौन सा इसका बिल्कुल सही जवाब है? इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन। और ये जो जवाब है आपको देखने को मिलेगा एक्सप्लेनेशन के अंदर। जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे सेक्शन नंबर 10 की, तो आपको ये देखने को मिलेगा। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं कि विच सेक्शन ऑफ सीपीसी लेड डाउन द रूल ऑफ रेस सबजुडाइस। अभी ही हमने डिस्कस किया था, तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन नंबर 10। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है समझ लेते हैं। वेदर द पेंडेंसिटी ऑफ ए सूट इन ए फॉरेन कोर्ट वाइल प्रिक्लूड द कोर्ट इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग ए सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। एक्सप्लेनेशन इम्पोर्टेंट हो गई, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से देखनी है। सेक्शन नंबर 10 सीपीसी की एक्सप्लेनेशन जो है आपको जरूर देखनी है। तो पहला ऑप्शन है यस, दूसरा ऑप्शन है नो, थर्ड ऑप्शन है इट विल बी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सूट, फोर्थ ऑप्शन फाइंडिंग विल बी लेड ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द सूट। इसी में इसको समझ लेते हैं कि क्या इसका अर्थ है। क्या किसी विदेशी न्यायालय में मुकदमा लंबित यानी कि पेंडिंग होने से भारत में अदालत को उसी कारण पर आधारित मुकदमे की सुनवाई करने से रोका जा सकता है, उसको नहीं रोका जा सकता। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। बात करते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है। तो सेक्शन 10 के प्रोविज़न है, सेक्शन 10 जो बात करता है किसके बारे में, वो बात करता है स्टे ऑफ सूट के बारे में। अब आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। साथ ही इसको हम क्या कहते हैं, रेस सब डाइस का प्रिंसिपल। इसे ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 आर डायरेक्टरी, मैंडेटरी, डिस्क्रिमिनेटरी या नॉन ऑफ द अबो। तो ये जो है ये मैंडेटरी प्रोविजन होते हैं, अनिवार्य प्रोविजन होते सेक्शन 10 के अंदर है। बात करते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी 1908 ए कोर्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसिटी ऑफ द सूट बिफोर, पहला ऑप्शन है कैन इंटरटेन एंड ट्राई द सूट, सेकंड ऑप्शन है कैन नॉट इंटरटेन एंड प्रोसीड टू ट्राई द सूट, थर्ड ऑप्शन है शैल नॉट प्रोसीड टू ट्राई थ्रू एंटरटेन सेकंड शूट, फोर्थ ऑप्शन है नेदर कैन इंटरटेन नोर शैल प्रोसीड फॉर द सेकंड शूट। तो एक आता है ट्रायल वर्ड, एक आता है इंस्टीट्यूट करना, तो ये दोनों अलग है, इसको आप मिक्स कीजिएगा। हिंदी में इसका क्या अर्थ है इसको भी समझ लेते हैं। यानी कि जब भी कोई केस पेंडिंग है किसी कोर्ट के अंदर, तो उसे इंटरटेन तो किया जा सकता है लेकिन उसे प्रोसीड नहीं किया जा सकता, यही इसका सटीक जवाब है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन है शैल बी प्रोसीड टू ट्राई नॉट टू बी प्रोसीड, यानी कि ट्रायल नहीं चलाया जाएगा, इन तो किया जा सकता है लेकिन ट्रायल के समय पर अगर वो शूट आता है तो उसका ट्रायल नहीं किया जाएगा। सेक्शन 10 जो कि रेस सबजुडाइस का डॉक्ट्रिन है वो उस पर लगा दिया जाएगा। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है, ये एक इलस्ट्रेशन है समझते हैं। ए द टेनेंट फाइल्ड ए सूट फॉर द परमानेंट इंजंक्शन। अब ये परमानेंट इंजंक्शन जो है ये हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। जब बात करते हैं परमानेंट इंजंक्शन की, तो इसके रिलेटेड हमारा सेक्शन 38 है, किसका, SRA यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब ये एक्ट कौन से साल का एक्ट है ये भी आपको पता होना चाहिए।
ये एक्ट है हमारा 1963 का। जब हम बात करते हैं, एक होता है हमारा टेम्प्रेरी इंजेक्शन। टेम्प्रेरी इंजेक्शन हमें सीपीसी में ऑर्डर नंबर 39 के अंदर देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर दो प्रोविजन आपको याद हो गए, तो आपको ध्यान में रखना है। ए द टेनेंट फाइल्ड ए शूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन अगेंस्ट बी द लैंड लॉर्ड फॉर नॉट टू बी डिस्पोजेस ऑफ। जब डिस्पोजेस की बात आई तो सेक्शन नंबर 6 ऑफ SRA स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का यहाँ पर अप्लाई होता है, जो कहता है कि किसी को डिस्पोजेस कर दिया गया है तो उसे ध्यान में रखते हुए उसे डिस्पोजेस ना किया जाए, यानी कि उसकी टेंडेंसी से उसे डिस्पोज किया जाए, इसका इंजेक्शन पास किया जाए। और सेम एग्जांपल यहाँ पर भी है, ए द टेनेंट फाइल्ड ए शूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन अगेंस्ट बी द लैंडलॉर्ड फॉर नॉट टू बी डिस्पोजेस एक्सेप्ट बाय द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लॉ को छोड़कर, एंड प्लीडेड दैट बी प्लानिंग टू फोर्सिबली डिस्पोजेस हिम, कि वो उसे जबरदस्ती बाहर निकाल रहा है जो मालिक है, ड्यूरिंग द पेंडेंसिटी ऑफ द एबो ही अटेम्प्ट टू फोर्सिबली डिस्पोजेस ए फाइल अनदर शूट द इंजंक्शन। अब यहाँ पर शूट फाइल हो गया, उसके बाद फिर से वो उसे जबरदस्ती निकाल रहा है, तो क्या यहाँ पर दोबारा से क्या इंजंक्शन के लिए शूट फाइल किया जा सकता है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द शू सेकेंड शूट इज बार्ड बाय द रेस सब जुड। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि रेस जुडिकाटा। फर्स्ट ऑप्शन में रेस जुडिकाटा, सॉरी गलत प्रनाउंस हो गया। पहला ऑप्शन है द सेकेंड शूट इज बार्ड बाय द रेस जुडिकाटा। सेकेंड ऑप्शन है द रूल ऑफ रेस सब जुडाइस विल बी अप्लाई, यानी कि रेस सब जुडाइस के प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। थर्ड ऑप्शन है इन दोनों के या फिर किसी के भी नहीं। हिंदी में इसको एक बार और समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ए किराएदार मकान मालिक बी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा यानी परमानेंट इंजंक्शन के लिए मुकदमा दायर करता है, ताकि कानून की उचित प्रक्रियाओं के अलावा उसे बेदखल ना किया जा सके, और दलील दी जाए कि बी से बेदखल जबरन बेदखल करने की योजना बना रहा है, और उपरोक्त मुकदमे में लंबित रहने के दौरान बी ए को जबरन निपटान का प्रयास करता है। प्रयास करता है यानी कि उसे पेंडिंग है ऑलरेडी, उसके बाद भी उसे निकालने की कोशिश करता है, या निषेधाज्ञा के लिए एक और मुकदमा दायर कर सकता है? नहीं दायर कर सकता। और यहाँ पर हमारा क्या आया, पेंडिंग। आपको ध्यान रखना है जब शूट पेंडिंग होता है तो हमारा कौन सा प्रिंसिपल लागू होता है, हमारा रेस सब जुडाइस का प्रिंसिपल। जब शूट जो है कंप्लीट होता है और पहले ही डिसाइड कर दिया सेम सेम कोज ऑफ एक्शन पर, तो ऐसे में रेस सब जुडाइस का प्रिंसिपल लगेगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है समझते हैं। प्रोविजन विद रिगार्डिंग टू द रेस जुडिकाटा आर प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सी। सेक्शन 9 पहला ऑप्शन, सेक्शन 10 दूसरा ऑप्शन, सेक्शन 11 तीसरा ऑप्शन, सेक्शन 12 चौथा। तो सेक्शन 10 में तो हमने रेस सब जुडाइस पढ़ लिया, सेक्शन 11 जो था बात करता है किसके बारे में, रेस जुडिकाटा के बारे में। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अब हम चलते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, समझते हैं क्या कह रहा है और इसका कौन सा सटीक और सही जवाब है। हु वाज द टेम्प्रेरी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया, कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है आचार्य जेपी कपालनी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर बीआर अंबेडकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे हमारे टेम्प्रेरी चेयरमैन थे, किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर आपसे क्या पूछा जाए परमानेंट,
परमानेंट कौन थे? तो वो थे हमारे बीआर अंबेडकर। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? सेम कौन सा जवाब है इसका? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है जयप्रकाश नारायण, तीसरा है चक्रवर्ती राजगोपालचार्य और फोर्थ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो फोर्थ है बिल्कुल सही जवाब था और यही हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी इंडिया के। तो ये भी आपको याद रखना। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो यानी कि कब लागू हुआ था, संविधान कब लागू हुआ था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी मैं कहूँ एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। एनफोर्समेंट डेट कब थी, कब इसे एडोप्ट किया गया था, दोनों इम्पोर्टेंट है। तो बात करें कब ये लागू हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को। जब हम बात करते हैं एडोप्शन की, एडोप्ट कब किया गया था, तो एडोप्ट किया गया था 26 नवंबर 1950 को। स्टार्टिंग में इसके अंदर जो थे कितने 15 जो है हमारे फंडामेंटल वो आर्टिकल शामिल किए गए थे, जिसमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, ये फंडामेंटल ड्यूज फंडामेंटल राइट जो है शामिल किए गए थे और 11 इसके अंदर बाद में किए गए थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको है। विच इंडियन आर्टिस्ट डेकोरेट द हेड राइटिंग कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस भारतीय कलाकार ने संविधान की हस्तलिखित प्रतियों को सजाया था, यानी रिटर्न में खुद से लिख कर दिया, तो कौन थे वो, कौन थे वो हमारे, वो थे हमारे नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। तो आपको याद रखना सेकंड से सही और ठीक जवाब है। बात करते हैं मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हमेशा याद रखना है, बिल्कुल भी इसको नहीं। तो क्या है ये क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द डिस्क्राइब एज ए, यानी कि सर्वोच्चतम क्या है इन सभी में। पहला ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है सीआरपीसी और चौथा ऑप्शन है। तो सुप्रीम किसे माना जाता है, हमारे भारत के संविधान को माना जाता है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। चाहे हम जुडिशरी की बात करें, चाहे हम बात करें जुडिशरी की, तो जुडिशरी से भी ऊपर हमारा क्या है, हमारा है। इसलिए संविधान को सर्वप्रथम और सर्वसुप्री माना जाता है। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए।